नमस्कार, मेरा नाम है कुमुद गिरधर और आज हम बात करेंगे कि हमारे ज़िंदगी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमें ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए, क्या क्या चुनना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए हम पहले दो देवताओं का नाम लेते हैं, दो टाइप्स जिसे कहते हैं, दो तरह की स्टाइल, एक इंद्र देवता, एक विष्णु जी, और ऐसे ही एक तरफ सरस्वती जी, एक तरफ लक्ष्मी जी। तो हमारे पास दो स्टाइल है, एक तो इंद्र देवता है जो हर टाइम किसी विलासिता, लग्जरी, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, और एक तरफ विष्णु जी हैं जो आराम से क्षीर सागर में बैठे हैं, अपना इस पर नाग देवता पे बैठे हैं, आराम से अपना मजे कर रहे हैं फर्स्ट क्लास। और दूसरी तरफ एक तरफ लक्ष्मी जी हैं जो धन के कारक हैं, और एक तरफ सरस्वती जी हैं जो शांति, ज्ञान, बुद्धि, मेडिटेशन उसकी कारक हैं। तो हमें करना क्या है या होता क्या है? बेसिकली ये अपने आप में एक चेन रिएक्शन है जो बार बार होती, घटित होती है। इंद्र बनते हैं हम, इंद्र की तरह जिंदगी जीते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, सब चीज़ें इकट्ठी करेंगे, सब भागते फिरेंगे, भागते रहेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि इंद्र भी फेल हो जाता है, हार के उसे फिर विष्णु जी के पास जाना पड़ता है, वो उसे कुछ शक्ति देते हैं जिससे फिर वो अपने दुश्मन को जीतता है। ऐसे ही लक्ष्मी जी हमारे पास होती है, लक्ष्मी जी के बाद जब हम वो सब कुछ पैसा कमा लेते हैं तो एक लेवल पे आके बिल्कुल हमारा जीवन तब भी सब कुछ होने के बाद भी बिल्कुल ख़त्म रहता है, तो फिर हम सरस्वती जी की शरण में जाते हैं, फिर हम सीखते हैं ज़िंदगी में शांति, पीस, ज्ञान, उससे चलते हैं। तो बेसिकली जो ज़िंदगी है उसको जीने का तरीका है मध्यम, सही मज़े लेने होते हैं आपको, जो बुद्धा जी ने बोला। अदरवाइज़ कभी आप इंद्र बनोगे, भाग के जाओगे फिर विष्णु जी के पास, विष्णु जी की तरफ जीने लगोगे, फिर सीख क्या होगे, फिर वहाँ से ज़िंदगी स्लो हो जाएगी, तो वहाँ से फिर आप फिर दोबारा इंद्र बन जाओगे, तो भागते रहोगे। तो सबसे ज़्यादा मज़े लेने का तरीका ये है कि मध्यम में आ जाओ, ना तो आप पूरे इंद्र बनो ना पूरे विष्णु जी बनो, क्योंकि विष्णु जी बन जाओगे तो कुछ चाहिए ही नहीं बैठे मस्ती में, और इंद्र बन जाओगे सारा टाइम भागते रहोगे तो एक शांति ही नहीं होगी। ऐसे ही है लक्ष्मी के पीछे, सारा टाइम भागते रहोगे तो लक्ष्मी आएगी तो ज्ञान नहीं होगा, कहीं ना कहीं फिर फंस जाओगे, फिर हमें लक्ष्मी सरस्वती जी के पीछे जाना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका मध्यम, थोड़ा ये थोड़ा वो, तो दोनों के बीच में मस्ती से करो। और वैसे भी लाइफ का है कि लेफ्ट हो तो राइट जाना ज़िंदगी है, राइट हो तो लेफ्ट जाना ज़िंदगी। अगर आप अमीर हो तो आपको जंगलों में घूमना अच्छा लगने लगा है, और जो जंगलों में रहते हैं उन्हें कोठियाँ अच्छी लगती। तो बेसिकली सेटिस्फेक्शन दोनों तरफ ही नहीं है, तो सबसे ज़्यादा मज़ा जो आ रहा है वो सेंटर में है। तो थोड़ा ये नहीं कि पागल हो जाओ पैसे के पीछे, हर टाइम इंद्र बने रहो या फिर विष्णु जी की तरह हर दिन शांत रहो, तो दोनों में मज़े नहीं है। तो बार बार दोनों के बीच में आओ, और बिल्कुल ऐसा नहीं कि पटरी लाइफ तो बार बार आपको ऐसे मौके आएंगे जो पटरी से उतारेंगे, लेकिन आपको ये है कि घूम फिर के फिर वापस आ जाओ। तो जो मध्यम है वो सबसे बेस्ट पॉलिसी है लाइफ जीने की। तो थोड़ा पैसा कमाओ, थोड़ा मजे ज्ञान प्राप्त करो, और हर चीज़ को साथ साथ जीते चले जाओ। कोई चीज़ पोस्टपोन मत करो कि जी मैं पहले पैसे कमा लेता हूँ, मैं इंद्र बन जाता हूँ पहले, बाद में विष्णु बन जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं। साथ साथ जो जी लिया जो पक्का, तो आज से ध्यान रखो कि जो भी करना है साथ साथ चलेगा, पैसे भी कमाने हैं, मस्ती भी करनी है, ज्ञान भी रखना है, साथ साथ करो सब कुछ और अपनी ज़िंदगी को मस्ती से जियो। धन्यवाद।